माय नेम इज निशा. क्या आपको पता है कि आपका बर्थडे कब था या कब है? आई नो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, राइट? क्या आपको ये पता है कि आपकी डेथ डेट कब है? शॉक हो गए ना? कभी सोचा है इस बारे में? आई नो कि आपने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम अमर हैं, यानी कि हम सभी इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने वाले हैं. वेल गाइस, द बिटर ट्रूथ इज दैट वी ऑल हैव टू डाई वन डे, एंड द बैड थिंग इज दैट वी डू नॉट नो व्हेन वी आर गोइंग टू डाई, राइट? और आपको ये जरूर पता होगा कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो खाली हाथ ही जाता है. जैसे कि वो खाली हाथ आता है, वो खाली हाथ ही जाता है. द ओनली थिंग दैट काउंट्स, द ओनली थिंग दैट गो विद हिम इज हिज और हर गुड डीड्स, यानी कि जो आपने अच्छे कर्म किए हैं इस दुनिया में वही है जो आपके साथ जाता है, जो अल्टीमेटली आगे आने वाली लाइफ में आपको हेल या हेवन में पहुंचाता है. यानी कि अगर आपने अच्छे काम नहीं किया, अगर आपने बहुत बुरे काम किए, आपने किसी का दिल दुखाया, तो शायद आपको भगवान जी हेल में डाल दें, अदरवाइज डोर्स ऑफ हेवन विल बी ओपन फॉर यू. वेल गाइज, मैं आपसे इसलिए ये बातें शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां पर बहुत ही कम एज में मैंने लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा है. और हम सभी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, राइट? बट द बैड थिंग इज कि ये किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, एंड वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, राइट? वी कैन नॉट कंट्रोल. हमें नहीं पता कि इवन आई डू नॉट नो, मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूं, मुझे नहीं पता, राइट? सो द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू बी a little aware about it. I want you to think about it कि हम क्या अच्छे कर्म कर रहे हैं, right? वो अच्छे कर्म करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको जो सिखाया जाता है, जो हम सब सोचते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तब हम कुछ social responsibility अपनी करेंगे या तब हम लोगों को दान करेंगे. Well guys, but मुझे ऐसा लगता है कि हमें अच्छे काम करने के लिए बिल्कुल भी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उस एज तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, राइट? सो आप चाहे अभी 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, व्हिच एवर एज यू आर इन, राइट? आई वॉन्ट यू टू जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ ब्रीथ एंड थिंक अबाउट इट कि आप वो अच्छा काम कब शुरू करने वाले हैं. मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, जैसे कि अभी विंटर शुरू हो गई है, तो वो बहुत अच्छे काम करते हैं कि वो जो जितने भी नीडी पीपल हैं या पुअर पीपल हैं उनकी जाके हेल्प करते हैं जिस भी तरीके से उनकी हेल्प हो पाती है. हमने भी लास्ट ईयर किया था, मेरे बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, हम सब ने कुछ पैसे कलेक्ट किए थे और उससे हमने कुछ ब्लैंकेट्स खरीदे थे, कुछ चॉकलेट्स, टॉफी, बिस्किट्स खरीदे थे, जो हम गए थे वसुंधरा के पास, एक वहां पर थोड़ा सा ऐसा एरिया है, स्लम एरिया है. वी वेंट देयर एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड दोज ब्लैंकेट्स एंड दोज बिस्किट्स. उसकी वीडियो मैंने अपलोड भी की है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप प्लीज उसको देखिएगा. और कुछ उसकी क्लिपिंग मैं इस वीडियो के एंड में भी ऐड करूंगी. गाइज, यू कैन नॉट इमेजिन कि एटलीस्ट मैं या वो मेरे स्टूडेंट्स कितने खुश थे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि मात्र वो जो हमने बहुत छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था उससे हमने कितनी सारी खुशियां इकट्ठी करी थी. मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो हैप्पीनेस मेरे साथ हमेशा ही रहेगी और शायद वो लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे, राइट? इसी तरीके से हमने लास्ट ईयर ही, जो हमारे कॉलेज में बहुत सारे गेटकीपर भैया हैं, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन सबको हमने रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए भी हमने बहुत सारे ब्लैंकेट्स खरीदे थे, शॉल खरीदे थे, उनको हमने स्टेज पे बुला के सम्मानित किया था. उसकी भी वीडियो हमने बनाई थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप प्लीज उसको देखिएगा. यू वोंट बिलीव, उस इंसिडेंट के बाद वो लोग कितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल फील कर रहे थे, बिकॉज सारे कॉलेज के बच्चों ने उनके लिए क्लैप किया था, उनको बहुत अप्रिशिएट किया था, एंड दे वर फीलिंग सो सो गुड. और मुझे याद है कि उसके बाद से जब भी उनमें से कोई भी मुझे देखता या मेरे उन स्टूडेंट्स को देखता तो वो बहुत अच्छे से सल्यूट करते थे, उनके चेहरे पर वो थैंक यू का एक भाव होता था, राइट? मैं ये नहीं कह रही कि आप इतना भी करिए, अगर आपके लंच में एक्स्ट्रा एक रोटी है या आपके पास एक्स्ट्रा कोई फ्रूट है या एक्स्ट्रा बिस्किट का पैकेट है, वो भी आप कभी भी किसी को, आपको लगता है सड़क पर इतने सारे गरीब लोग हैं जो भी आपको दिखते हैं, यू कैन ऑलवेज गो आउट एंड हेल्प देम. करूंगी, हमारे घर के पास में एक
अनाथ आश्रम भी है, ऑर्फनेज भी है, जहाँ पर गरीब बच्चे रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए बिल्कुल भी वुलन क्लोथ्स नहीं है, और क्योंकि सर्दियां ऑलमोस्ट आ ही चुकी हैं, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कलेक्ट सम मनी जितने भी जहां से भी मुझसे हो पाएगा, एंड डेफिनेटली आई वॉन्ट टू बाय लॉट ऑफ स्वेटर्स फॉर देम सो दैट एटलीस्ट दे शुड बी वेल एंड सेफ इन दिस विंटर टाइम, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज, आपका इतना सारा सपोर्ट मुझे मिला है और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। मुझे पता है गाइज, जो मेरा ये एम है जिसके साथ मैंने इस चैनल को 2 साल पहले शुरू किया था, टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड दिस वर्ल्ड एंड टू मेक आवर यूथ कॉन्फिडेंट, उसमें आप सब मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। सो गाइज, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। दे दो सबको, दे दो, आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ सबको दे दो, सब लाइन में आ जाओ, लाइन में। पापा, ये तोता हमारे यहाँ लुक इट है हैप्पीनेस। अब आज के दिन का एक बार सम, एक बार सम, जल्दी 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 ताली ना ताली, ये ब्लैंकेट्स, joy of sharing. बच्चे को आगे रखो, तू भी आ जा, अभी आ जाऊंगा, देख पीछे खड़ा हो जा, ब्लैक एक झंडा ऊपर से डाल दे, हां ब्लैंकेट डाल दे, सब बैग में करो दिया। थैंक यू। इस बच्चे को बिस्किट मिल गया, हाँ। ये फिर भी हैप्पी नहीं लग रहा, क्या हो गया इसको? ये सो के उठा है मैं अभी। क्या हुआ तुमको? बस है पीछे, बस इधर थोड़ा सा और। अबे नहीं, ऐसे नहीं सोने दो बेबे, मैम बोली है। हाँ हाँ उड़ा दो, डांटने लगा तो नहीं नहीं, क्यों डांटेंगे, उनको ठंड लग गई होगी। उड़ा देना, उड़ा देना कंबल, गरम कंबल डाल, सरप्राइज सरप्राइज, कंबल डाल दो, डाल दो, डाल दो कंबल, उड़ा दो। These are the workers at Jain Mandir. My name is Nisha और as you can see आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे जो कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड भैया हैं उन सबको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने बहुत सारे शॉल कलेक्ट किए हैं और वो हम उनको देने वाले हैं, और हम उनको बहुत सारे थैंक यू बोलना चाहते हैं, इसीलिए हम सब अपने अपने तरफ से उनको कुछ कुछ थैंक यू बोलेंगे। सो विल स्टार्ट विद राजीव। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है। आज मैं इन सभी सुरक्षा कर्मियों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उन सभी दिन के लिए, उन सभी रातों के लिए जिसमें इन्होंने अपने चैन की परवाह न करते हुए हम सबको सुरक्षा प्रदान करी, उन सभी गर्मी के दिन, रातों के दिन जब ये अपने परिवार से अलग रहे, ताकि हम सब सुकून अच्छे तरीके से विद्या ग्रहण कर सकें। शुक्रिया। मैं घर के बाहर कॉलेज में इतना फील सेफ करती हूँ क्योंकि आप हमेशा थे, आप हैं और आप रहे। थैंक यू। नमस्कार आप सबको, मेरा नाम है अभय, और आपने अपने जीवन का इतना सारा टाइम हमारे लिए दिया, हमको हमारी प्रोटेक्शन की एंड टाइम मैनेजमेंट सिखाया, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप सबको मेरा मेरी तरफ से थैंक यू एंड एक बड़ी सी प्यार की जब भी।